चलिए जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। एक और सराहनीय कदम एक और अभ्यर्थी के द्वारा किया गया है। आई थिंक ये काम सभी अभ्यर्थियों को करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी, लोक सेवा आयोग से भी, समूहों की तमाम ऐसी भर्तियां निकली हुई हैं जिनमें जिन पोस्टेज पे एक से अधिक का जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, कई का लेखपाल में हुआ है, किन्हीं का तमाम, और भी वीडियो बीपीडीओ कलर तमाम इसमें भर्ती हुआ है। तो उसमें से आपको जो उच्च रैंक की पोस्ट है उसको चुनना होता है और नीचे के लिए जो है एफिडेविट देना होता है। ये आयोग ने, आयोग के अध्यक्ष जिस मार्तोले साहब ने भी कहा, इससे पहले एक दो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऐसे अभ्यर्थियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने स्नातक स्तरीय परीक्षा में अभ्यर्थन निरस्त करने के संबंध में लिखा है। तो आप देख सकते हैं निवेदन है कि प्रार्थी, ये इनका नाम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो चयन है आयोग के विज्ञापन संख्या इतना अनुक्रमांक इतना के अनुसार, जो कि इनकी रैंक है आप देख सकते हैं 19। वर्तमान में जो प्रार्थी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनपद हरिद्वार में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। यानी कि आप देख सकते हैं जो ये कैंडिडेट है इनका 19 जनरल रैंक है। ऑलरेडी ये जो है उत्तराखंड के जो हरिद्वार है वहाँ पर सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय अर्हता के पद पर योगदान नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा विभिन्न विभागों के होने के कारण भविष्य में प्रतीक्षा सूची आने की संभावना नहीं है, अतः महोदय मेरा अभ्यर्थन अंतिम चयन सूची जारी होने से पहले निरस्त कर मेरे स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थी का जो है चयन किया जाए। आप देख सकते हैं इनका नाम है और इनकी जो है 19 जो है रैंक है। तो ऑलरेडी ये समाज कल्याण अधिकारी में कार्यरत, तो स्वाभाविक से बात है इनका अगर सिलेक्शन वीडियो में तो वो उससे अपर रैंक तो है ही है। तो ये एक सराहनीय कदम है। बाकी यार आपकी क्या राय है इससे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।